वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ना, हमारी बहुत धांसू होने वाली है। तो गाइस, आप सभी को वीडियो एंड तक देखनी है। एंड गाइस, मैं जितने बैकग्राउंड पीएनजी इसका यूज करूंगा ना, मैं सभी का लिंक आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, सिंपली आप जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया क्या करो यार, वीडियो को लाइक करो ताकि यार नेक्स्ट वीडियो लाने में यार मजा आए। सो गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड गाइस, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि गाइस वो भी अच्छी अच्छी एडिटिंग कर सके। एंड गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना अगर वीडियो को, अगर फोटो एडिट करें तो। गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस, उसके बाद तो क्या बोलूँ आप सभी को, आप कर ही लोगे। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। सो गाइस, पहले आप सभी को करना है गाइस, बैकग्राउंड को ओपन करना है, ठीक है। एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सिंपली डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को अपने मॉडल को लेकर आना है। एंड मैंने गाइस मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है। एंड गाइस, जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो को देखो एंड बैकग्राउंड को इरेज करो, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को करना क्या है, यूजर टूल में जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस, आपको अपने हैंड की तरफ से इरेज कर लेना है, ठीक है। अपने हैंड की तरफ से मतलब कि गाइस, जैसे कि इस तरीके से इरेज करना है कि हमारे हाथ गाइस उसके अंदर है, ठीक है। इस तरीके से इरेज कर लेना है। एंड गाइस, जितने बैकग्राउंड पीएनजी जिसका मैं यूज़ करूँगा इस वीडियो में, गाइस आप सभी को सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल, HD क्वालिटी में। तो गाइस, आप जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो मैंने ये इरेज कर लिया है, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा प्रॉपर कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। एंड गाइस, सिंपली मैं कर लेता हूँ ऐसा डन। सॉरी गाइस, ये साइज बड़ा हो गया गलती से, तो मैं इसको दोबारा से सेट करता हूँ। आपको अगेन एंड इरेजर टूल में जाना है, ठीक है। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस, आप सभी को इसकी हार्डनेस को कम करना है एंड ओपेसिटी को कम करना है, ठीक है। एंड आपको सिंपली इस तरीके से नीचे से इरेज करना है, ठीक है। सो ओपेसिटी को मैं थोड़ी बढ़ा लेता हूँ एंड गाइस हार्डनेस को भी, एंड आपको इस तरीके से इरेज कर लेना है, ठीक है। सिंपली जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस, आपको ऐसे देखना है। एंड गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो यार कुछ समझ नहीं आएगा, तो वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। सो आपको इस तरीके से इरेज कर लेना है, ताकि गाइस हम लगे कि हम स्मोक के अंदर खड़े हैं, ठीक है। सो मैं इसको और थोड़ा इरेज कर लेता हूँ इस तरीके से। एंड गाइस, वो मेरा हैंड भी रेज हो गया, तो गाइस उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इसको वापस से हम इरेजर टूल से वापस से ले आएंगे, ठीक है। जहाँ तक हमारी फोटो हो चुकी है डन। एंड गाइस, के बाद चलते हैं हम ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, हमें कुछ फायर के पीएनजी लेने, ठीक है। इस तरीके से तीनों पीएनजी ले लेते हैं गाइस, ठीक है। एंड इसको सिंपली हम इस तरीके से यहाँ पे ले आते हैं। एंड इसके बाद गाइस, हम अपने पीएनजी को लेंगे एंड गाइस इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे स्क्रीन, ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइस, हम सिंपली इसको अपने हैंड की तरफ लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लगा लेंगे। सो गाइज, मुझे लगता है यार आज की वीडियो ना कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो गाइज मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। सो हम तेज़ी में वीडियो को एडिट करते हैं।
गाइस हमने सारे PNG लगा लिए हैं। गाइस हम फोटो कर लेते हैं सेव, एंड गाइस मैं करते कलर करेक्शन जो कि करेंगे हम Lightroom ऐप के अंदर। तो गाइस फोटो कर लेते हम सेव, ठीक है, एंड इसका चलते बैक एंड Lightroom ऐप को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस मैं फोटो गाइड कर लिया, एंड गाइस फोटो कर लेते हैं ओपन, ठीक है, सेंड चलते हैं स्लाइड वाले ऑप्शन में, ठीक है। इस कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, ठीक है, इस हाईलाइट को कम कर लेंगे गाइस, ठीक है, हाईलाइट्स को बढ़ा लेंगे, ठीक है, एंड शेडो को भी हम कम करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस हमें वाइट को बढ़ा लेना है, ठीक है, एंड ब्लैक को कम करना है, ठीक है। एंड इसका चलते हैं हम नीचे वाले टूल में, ठीक है, एंड उसके बाद हमें जाना है इस वाले मिक्स में, एंड गाइस रेड कलर के ह्यू को बढ़ाना है, ऑरेंज कलर के सैचुरेशन को और ल्यूमिनस को माइनस प्लस करना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज अब सभी का क्या काम रह गया, आपको रेड कलर में वापस जाना है गाइज, की ह्यू को थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। एंड इसकी वापस से ऑरेंज कलर में जाकर सैचुरेशन को कम करना है, ल्यूमिनस को भी कम करना है, ठीक है। एंड लेते हैं गाइज ये ग्रीन कलर, इसके सैचुरेशन को कम करेंगे, एंड येलो कलर लेंगे, फिर इसका सैचुरेशन कम करेंगे, ठीक है। एंड गाइज यहाँ तक हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, तो गाइज अब हम करते हैं डन, एंड गाइज सैचुरेशन को बढ़ा लेते हैं गाइज थोड़ा, ठीक है, एंड टेम्प वाइब्रेशन को कम करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद गाइज हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, एंड उस नीचे वाले टूल में चलेंगे, क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे, ठीक है, एंड विगनेट को माइनस करेंगे इस तरीके से, ठीक है, एंड फेदर को 100+, राउंडनेस को भी 100+, ठीक है, एंड मिड पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड चलते नीचे वाले टूल में, फोटो को शार्प करेंगे, ठीक है, एंड नॉइज रिडक्शन को बढ़ाएंगे, कलर नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। सो हमारे यहाँ तक फोटो एडिट हो चुकी है, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड गाइस कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना यार, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं आप सभी से मिलता हूँ इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।